इस वीडियो में बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर जैसे कि हाइपर पैरेक्सिया हाई पैरेक्सिया पैरेक्सिया लो पैरेक्सिया नॉर्मल टेम्परेचर सब नॉर्मल है कोलैप्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर ले तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हाइपर पैरेक्सिया पैरेक्सिया किसे बोला जाता है तो पैरेक्सिया फीवर को ही बोला जाता है मेडिकल टर्म में हाइपर पैरेक्सिया में बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होता है नेक्स्ट है हाई पैरेक्सिया तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फारेनहाइट तक रहता है नेक्स्ट है मोडरेट पैरेक्सिया यानी कि सामान्य पैरेक्सिया तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होता है नेक्स्ट है लो पैरेक्सिया यानी कि कम पैरेक्सिया तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर निन्यानवे डिग्री फारेनहाइट से 101 डिग्री फारेनहाइट तक रहता है नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापमान तो सामान्य तापमान अंठानवे पॉइंट चार डिग्री फारेनहाइट होता है और संतानवे से निन्यानवे तक सामान्य टेम्परेचर माना गया है नेक्स्ट है सब नॉर्मल यानी कि उप सामान्य तो इसमें बॉडी का टेम्परेचर पंचानवे डिग्री फ़ारेनहाइट से संतानवे डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है नेक्स्ट है कोलैप्स यानी कि निधन इसमें बॉडी का टेम्परेचर पंचानवे डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग